हाथरस जिले में आज तिरंगा यात्रा निकालकर वीर शहीदों को याद किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर तिरंगा यात्रा के इस मौके पर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। शहर के आगरा रोड स्थित शहीद पार्क से इस तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगा झंडा और भारत माता एवं वंदे मातरम के नारों के साथ बाइक पर सवार लोग शहर में घूमे। तिरंगा यात्रा के शुभारंभ के इस मौके पर प्रदेश के मंत्री सहित जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड स्थित शहीद भगत सिंह पार्क से आज तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं तिरंगा यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री ने भी अपनी सहभागिता दिखाई और तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक पर सवार सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ शहर के विभिन्न बाजार से होते हुए वापस यात्रा को सफल बनाया। वहीं तिरंगा यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण, जिले के सांसद अनूप वाल्मीकि, सदर विधायक अंजुला माहौल, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता दिवाकर भी मौजूद रही। वहीं तिरंगा यात्रा के मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हम सब ने हाथों में तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल और पैदल चलकर राष्ट्रपति के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प में हमने एक कदम और बढ़ाया। बांग्लादेश की जो घटना है उस पर प्रधानमंत्री जी ने निगाह रखी है। इसके ऊपर उनका बयान भी आया है, बांग्लादेश में जो हिंदू है उनकी सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार चिंतित है। उसके लिए वहां की सरकार जो इस समय है उससे मिलकर काम किया जा रहा है। इसको 100% अच्छा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया हाथरस नगर में। हम सब ने मोटरसाइकिलों पे पैदल हाथ में झंडे लेकर के अपने राष्ट्रभक्ति के संकल्प को दोहराया और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत की यात्रा शुरू की है उसके लिए हमने एक कदम और आगे बढ़ाया। जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, प्रदेश, देश, वहाँ पे हम जो भी काम करेंगे उसको अच्छे से अच्छा करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक पे करेंगे, तब हम अपने आप को विकसित भारत की यात्रा में शामिल करेंगे। जी, बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैनी निगाह रखी है और इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया है। और कोई भी माइनॉरिटी, हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार चिंतित है और उसके लिए वहाँ की सरकार जो इस समय है उससे मिलकर काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो स्थिति पूर्व में थी उससे बेहतर हुई है, लेकिन इसको 100% अच्छा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जी, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व के आभार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन लोगों के आह्वान पर यह स्वतंत्रता दिवस की यात्रा आयोजित की गई है और सभी कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चाओं ने इसमें मेहनत की, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे हमारे अरविंद दिवाकर जी हैं, कृष्णा पहलवान जी हैं, रोहन पाठक जी हैं, हमारे किशन भारती जी हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं ने रात भर लग के मेहनत की और ये यात्रा सफल बनाई। सभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे पालिका अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी, सभी लोगों ने, पार्टी ने एकजुटता का संदेश देते हुए इस यात्रा को सफल बनाया। मैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही कहूँगा कि यह देश एकता अखंडता बनी रहे और इसी तरह हम सभी लोग, आज नॉन पॉलिटिकल लोग भी आपने देखा होगा, कई सामाजिक एनजीओ, कई डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स भी इस यात्रा में, जो कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी शामिल हुए। मैं सभी का इस यात्रा में शामिल होने पर आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, तिरंगा यात्रा निकाली गई है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा देश और प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर इस भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और उन वीर शहीदों को नमन किया गया, याद किया गया जिनकी वजह से इस देश को आज़ादी मिली। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा यह आयोजन किया गया। उसमें हमारे हाथरस के प्रभारी मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कोई आपने संसद में कोई जवाब? देखिए, निश्चित ही संसद में काफ़ी लंबी चर्चा इसके ऊपर हुई है और हमारी
आदरणीय मोदी जी की सरकार पूरी तरह गंभीर है। निश्चित वहाँ किसी भी हिंदू को मैं समझता हूँ प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा और सरकार पूरी तरह गंभीर है। निश्चित इसकी मॉनिटरिंग बड़ी गंभीरता से सरकार कर रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है जी। देखिए निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी जी मिनट टू मिनट इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित भारत की सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और निश्चित ही जो है इस पर अच्छी प्रभावी कार्रवाई भी वहाँ कराने का काम किया। सांसद जी, जिस तरह से वहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और भी लोगों पे अत्याचार हो रहा है, क्या वहाँ तिरंगा नहीं फेर सकता? देखिए निश्चित ही मैं समझता हूँ महिलाओं पे अत्याचार बिल्कुल ही निंदनीय, हम जिसकी जितनी इसकी निंदा करें कम है और निश्चित ही इस देश की सरकार बहुत गंभीर है। आदरणीय मोदी जी, मैं भी सदन में लगातार वहाँ रहा, मैं सुन रहा था, इस देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही बहुत गंभीर है और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि महिला पर जिस तरह का अत्याचार वहाँ हो रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जाएगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।